हमने ये वाला पर्चा देखा, लिखा है यहाँ पे फॉर अ प्रॉब्लम डिफिकल्टीज इन ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ विंडो प्लीज कॉल एट दिस नंबर, इस नंबर पे हम कॉल कर सकते हैं। तो हमने सोचा कॉल करें, वही क्या बोलते हैं कॉल करें, कर सकते हैं, एक बार देखते हैं रियलिटी, रियलिटी देखते हैं, कॉल कर देखें, करते हैं, चल चल। गाइज वेलकम टू सुरत गुप्ता न्यू ब्लॉग। तो गाइज फिलहाल मैं तैयार हो गया हूँ, अभी आज जा रहे हैं हम पूरी, तो आज हमारे थोड़ा ट्रैवल करने निकल रहे हैं हम सारी फैमिली पूरी, इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि हम वहाँ पे जगन्नाथपुरी मंदिर घूम पाए और बगल में ना समुद्र वगैरह भी है, तो बीच में मस्त मजा आएगा। गाइज फिलहाल हम चलते हैं, चलो। जूता नहीं पहनूंगा, जूता को अवॉइड करूंगा क्योंकि वहाँ पे मंदिर में घूमना है हर वक्त, और मैं कुछ ट्रेन पे जूता, तू जूता पहन ले भाई, मैं जूता नहीं पहनूंगा। चलो 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 ले लिया, चलो। फाइनली अभी हम घर के लिए, घर से निकल चुके हैं, जा रहे हैं कार से अभी, उसके बाद हम जाएंगे ट्रेन से, हमारा सीट वगैरह कंफर्म हो गया, बस चलते हैं अब। गए चलो कार को पार्किंग में लगा के चलेंगे। Hey, what the hell? Why are you hanging on the rooftop? जाओ उतर जाओ उतर जाओ। तो गए सब के सब उतर रहे हैं, पापा जाएंगे, अमरुद भैया जाएंगे, पार्किंग में लगा के आ जाएंगे कार को। ऑटो पकड़ते कहाँ, ऑटो से निकलना है। हमने ऑटो बुक कर लिया, ये वाला 250 में हटिया। अब ऑटो बुक कर लिया, अब चलते हैं। By yourself, I have an open invitation, but you telling me go get lost, I don't wanna see your face. क्या शूटिंग आ रहा है देखो। ओहो। हटिया रेलवे स्टेशन गाइस जा रहे हैं। सईद कहाँ? पूरी 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 जा रहे गाइस। कहाँ पूरी में? कहाँ? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी मंदिर। फाइनली हमारी ये ट्रेन है, आती ट्रेन मिल गई पूरी हटिया के लिए। फटाफट चलते गाइस ओडिशा। मतलब स्लीपर में ले रखा है हमने, तो गैस हमने स्लीपर में ले रखा है। पूरा चार इनका और देखिए पांचों हमारा है। हाँ ऐसा हुआ था, ये कैसा है? ये तो बोल रहा है इमरजेंसी गेट मेरे में। वाह भाई इमरजेंसी मिला है मेरे को। फोन थी इधर आते थे। ओ भाई फोन छिना सकता, फोन छीन सकता। चखना दे ये ले, चखना दे ये ले, बाटर सिस्टम। चलने को आधा घंटा है, चार बजे ट्रेन चलेगी, अभी 3:23 हो रहा है, अभी वेट करते जब तक इस वीडियो वगैरह बनाते थोड़ा बहुत। चल फटाफट चल, ट्रेन चलने वाली है, तो क्या 6 मिनट बाकी, बस स्टार्ट होने में एक मिनट बाकी, बस एक मिनट। टाइम से पहले पहुंचाते हैं, टाइम पे चलती है अब। हाँ अब गाइस हमेशा एक ट्रेन टाइम से पहले पहुँचाएगा, टाइम से चलेगी। फाइनली ट्रेन चल चुकी। मैं तो देखो इमरजेंसी गेट मिला गाइस, खतरनाक वाला। मैं जितना वहां मोबाइल ही लिख लूंगा, मैं जितना चाहूँ उतना बाहर निकल चुका हूँ। बोला जगन्नाथपुरी जा रहे हैं गाइस, बात कर उड़ीसा में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी। पापा बात कर रहे हैं और ज्यादा आवाज आ रहा था इसलिए हमने शीशा बंद कर दिया। बात कर रहे हैं ना, चल दिया क्या? बोल दो आप। ओहो इतनी बस इन वादियों को देखते हुए चल रहा हूँ, थोड़ा अच्छा वाला अल्टीमेट फीलिंग आ रही है।
भाई देखो सारा एक चीज प्लेन जैसा, बिल्कुल पूरा खेत। हाँ प्लेन सही लग रहा है, बिल्कुल पूरा खेत प्लेन है गाइस। क्या ही लगा रखा है सबने एक साथ एक जैसा ही। देखो मम्मी मस्त हो रही है, मम्मी मस्त हो रही है यार। ये सही लग रहा है, पूरा प्लेन है बिल्कुल मस्त। Why you hanging on the rooftop by yourself? I have जो यात्रा है वो 4 बजे लेके सुबह के 6 बजे तक होगा। सुबह 6:30 बजे उतरेंगे हम। An open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two rooms can make. देखो बताओ आपको कौन सा ट्रेन चलता हुआ दिख रहा है? हमारा क्या उनका? इस कैसा लग रहा है हमारा कि उनका? हमारा चल रहा है, हमारा चल रहा है ना गाइस, हमारा चल रहा है। प्रैंक हो गया। हम रुके हैं बानो में, ये हमारा बानो स्टेशन, यहाँ रुके हुए हैं। टाइम कितना हुआ? 17:27, मतलब 5:27। पहली मम्मी भी जग चुकी है बहुत देर बाद। पापा तो बाहर चले गए, पापा मम्मी सो उठ गई। बानो स्टेशन से हम निकल चुके हैं ट्रेन। मुझे पता है टाइम पहले से पहुँचा दे रही है गाइस, टाइम से पहले आ रही है भाई। 5:29 हो रहा है, 5:29 को आना था। अभी आपको दिखा ना 5:27, 5:26 भी आ गई थी ट्रेन। ट्रेन टाइम से पहले पहुँचा रही है। बाहर का व्यू देखता हूँ मैं, जैसे और चार लगा देता हूँ ये लगा। हाँ वैसे अभी 6 भी नहीं बजा है, 6 बजने वाला है, और सोहित फोन को चार लगा दिया और सो गया इधर। मैं पूजा कर रही मसाला अपना। अभी मैं आया हुआ हूँ ट्रेन के बाथरूम में आया हूँ। मस्त है बाथरूम, अच्छा बना रखा है, बिल्कुल एसी की तरह, बिल्कुल कोई भी गंदगी नहीं है कहीं पे भी, जरा सा भी गंदगी नहीं है। और शीशा भी बहुत साफ है, बिल्कुल बंदा रील्स बना सकता है इजीली, इतना साफ है। तो गाइस रेलवे, इंडियन रेलवे भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो अगर हाथ धोके मस्त अब खा रहे हैं आलू के पराठे। हाँ मस्त आलू पराठे। बाथरूम बहुत अच्छा है देखा, इंडियन रेलवे अच्छी हो रही है। अब 5 तारीख देखना, 5 तारीख को हम एसी से जाएंगे ना गांव। ये तो हमारा टेम्प्रेरी सडन वाला प्लान बना पूरी घूमने का, तो हम एसी से रिपेयर करके जा रहे हैं। नहीं तो एसी में जाएंगे ना 5 तारीख को, उस वक्त देखना। अब आना तो हो गया। अब ये मस्त देख रहा है बाहर, और बाहर देखो क्या लुक आ रही है। स्टेशन आ रहा है कौन सा? चार्जर लगा के वीडियो में। लाल किला, लाल किला, राहुल किला, राहुल किला पहली बार सुन रहा हूँ भाई। राहुल किला वही एमएस धोनी मंडा मंडा लिख दिया। रेलवे स्टेशन जानते हो? तो सर इधर ही ठीक है, खड़गपुर में ही ठीक है। यही है वंडा वंडा रेलवे स्टेशन, वंडा वंडा रेलवे स्टेशन। रुकेगा ही नहीं वो छोटा ट्रेन जंक्शन। हमने ये वाला पर्चा देखा, लिखा है यहाँ पे फॉर अ प्रॉब्लम डिफिकल्टीज इन ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ विंडो प्लीज़ कॉल एट दिस नंबर। इस नंबर पे हम कॉल कर सकते हैं, तो हमने सोचा कॉल करें। मोहित क्या बोलता है कॉल करें? कर सकते हैं, देखते हैं रियलिटी, रियलिटी देखते हैं। तो गाइस बोल रहा है देखते हैं रियलिटी, रियलिटी ओपन विंडो नहीं हो रहा भाई, मेरा विंडो ओपन नहीं हो रहा, रियलिटी देखे नहीं यार ठीक नहीं रहेगा। मोहित ट्राई करें एक बार कॉल कर देखें, करते हैं चल। हाँ नंबर पे हम कॉल करेंगे, मोदी कॉल कर रहे हैं, कॉल कर 8091 8094 9294 रिंग हो रहा है। हेलो कॉल उठा सर, एक्चुअली यहाँ पे खिड़की ट्रेन में खिड़की खोलने में प्रॉब्लम हो रही है सर। कौन सा ट्रेन नंबर बताइए? क्या बोले सर? ट्रेन नंबर बताइए। ट्रेन नंबर मैं तपस्वनी में हूँ सर, 18451। मैं एक्स फोर में हूँ। सीट नंबर 55। हाँ ठीक है सर। क्या बता रहा है? स्टाफ आ जाएगा ठीक करने। हाँ स्टाफ आ रहा ठीक है, वही हम तो मजाक कर रहे थे। हम मजाक कर रहे थे, ये नंबर की रियलिटी चेक कर रहे थे। ये जो नंबर दिया है बोल रहा है कि अगर खिली खोले में परेशानी आ रही है तो अब क्या करें? इस नंबर पे संपर्क करो, मतलब होता है कि नहीं देखते सच्चाई। कॉल किया, कॉल उठा लिया, ट्रेन का नंबर पूछा, बोला आ जाएगा स्टाफ आपको ठीक कर लिया।
बोला स्टाफ आ रहा है ठीक करने, कुछ नहीं है, हम रियलिटी चेक कर रहे थे। आते हैं क्या नहीं देखते हैं ना, देखते हैं गाइस स्टाफ आ रहा है। पापा भी लगे हुए हैं हमारे साथ ही, जरा बोल रहे हैं बोला दम लगा खोला हमने खिड़की खुल गया ऐसे बोल देना, बहुत दम लगाया खुल गया, लिंक कॉल हमने कर दिया तो आप अभी आ रहे हो। मोहित अगर बता स्टाफ आएगा तो क्या बोलेगा, डबल साइड तो बोले खोल के बैठा तुम दोनों, खुल नहीं बहुत धक्का मारने पे खुला, पर उससे पहले हमने कॉल कर दिया। हाँ बहुत ट्राई किया खुला नहीं, हाँ फिर धक्का मार मार के खोला तो क्या फिर खुल गया। एक बार रियलिटी चेक हो जाएगा ना इंडियन रेलवे का, वैसे इंडियन रेलवे का टैग बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। वाह कॉल एक बार में, वो भी एक रिंग में। मैं आपको सैमेट के साथ साथ एक सॉन्ग सुना था, ठीक है, ओ पलंग हारे निर्गुण न्यारे तोरे बिन हमरा कोनो नहीं। लगाया खुल गया, बहुत अच्छा सर्विस है आपका, बहुत अच्छा सर्विस है इंडियन रेलवे का। गाइस स्टाफ आ चुके हैं, स्टाफ आ चुके हैं, गाइस स्टाफ आ चुके हैं, बहुत अच्छा सर्विस है। मतलब कभी भी कोई भी ट्रेन में ऐसा हो तो आप कॉल देने आ जाते हैं? ट्रेन में रहते हो? हाँ। कितने स्टाफ हो टोटल आप? टोटल आप कितने स्टाफ? बहुत दम लगाने के बाद खुला, तीन स्टाफ उससे पहले खुल गया। हाँ खुल गया, खुल गया, खुल गया। हमेशा हर ट्रेन में होते हो? हर ट्रेन में नहीं, बहुत सारी गाड़ी हमारा है। अच्छा दो तीन ट्रेन ना, कितने लोग आपके स्टाफ? तीन स्टाफ, चार स्टाफ आया हुआ है। टोटल स्टाफ में कितने लोग हैं? बारह है, बारह स्टाफ, बारह स्टाफ है। बहुत अच्छा है, अच्छा सर्विस है इंडियन रेलवे, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन रेलवे। वाइस स्टाफ आ चुके हैं, अच्छा सर्विस है यार। बोल दिए सर, हाँ हाँ ले हम बोले, अच्छा बोलना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ सर, सर खुल चुका है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, सेटिस्फाइड है सर, बहुत अच्छी सर्विस है, थैंक यू सो मच सर, खुल गया आखिर में। ओह यार क्या सर्विस है भाई साहब, सच में आ गया, सच में आ गया। नहीं अब कौन सा स्टेशन आया, इन लोग को निकल देते हैं फिर बताते हैं आपको, बहुत अच्छा से एक चीज़ बताएंगे। भैया लोग तो जा रहे हैं, थैंक यू भैया। इनका कहानी बताता हूँ मैं, हमने कॉल किया था तो गाइस जो फाइनल कंक्लूजन है ना, इंडियन रेलवे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है, बहुत ज्यादा। खिड़की खोलने के लिए भी असिस्टेंट भेजे पांच लोगों को, हमें ये दिखा सामने होती है तो कॉल करो, हमने सोचा कि ऐसे ही होगा कुछ भी, ऐसा थोड़ा होता खिड़की खोलने के लिए भी कुछ होगा। तो मैंने कॉल किया, उन्होंने ट्रेन का नाम पूछा, नंबर पूछा और कोच पूछा, सीट पूछा, और तुरंत मतलब पाँच तीन से चार मिनट में उनके स्टाफ आ गए, पांच पांच स्टाफ आ गए, वो भी होतोरी फ्लैश लेके। मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर घूम फिर के आता हूँ। कौन सा हो रहा है मम्मी जी, नीचे इसलिए उतरा हूँ कि वीडियो बना पाऊँ। तो गाइस यहाँ पे एक नया ट्रेन आई हुई है, राजधानी ट्रेन है, राजधानी ट्रेन, इसमें मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, बोरिंग। मुझे राजधानी में कितना बोर हुए थे हम, बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। नहीं मज़ा भी आया था, खाना मज़ा आया था, मैं खाना पीने के साथ वैसे बोर हो गए थे हम, दो दिन ट्रैवल किए थे, चल गई अब ट्रेन चलने वाली है। ओ जल्दी 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 भाई, जल्दी जल्दी चल चल, तू चल तू चल तू चल तू चल तू चल तू चल के चक्कर में ट्रेन ही छूट जाएगी भाई, तू बस ट्रेन गई ट्रेन गई भाई, ट्रेन चलती ट्रेन में मचा। बस फाइनली सबके सब सोने वाले हैं, मतलब मैं तो एडिटिंग करूँगा ही बैठ के, क्योंकि सुबह उठूँगा, सुबह उतरूँगा 6 बजे घूमने, बीच में जाएंगे घूमने के लिए, तो बीच में घूमेंगे या मंदिर घूमेंगे, तो घूमने में निकल जाएगा, तो वीडियो अपलोड कैसे कर पाऊँगा मैं, तो जो करना भी कर। गुड मॉर्निंग, अभी मैं सो के उठाऊँ, आज ये हमारा सनलाइट भी हो गया है मस्त वाला। तो गाइस फिलहाल मैं एडिटिंग करके सोया था, इस ब्लॉग में यहाँ पे एंड करता हूँ। आया आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो गाइस कमेंट करना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, लाइक करना, तो बाय बाय, अपना ख्याल रखना।